नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन शर्मा। भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश में दूरगामी सकारात्मक असर होने वाला है और हरियाणा, जहां हम चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वहां पर भी इस यात्रा ने अपना गहरा असर छोड़ा है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार से लोग तंग आ गए हैं। कहा गया ये देश की यात्रा है। देखिए, और भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ये पड़ाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा के बाद दिल्ली में प्रवेश कर गई है यात्रा। हाँ, आज सुबह 6 बजे वहाँ से चले हैं, बदरपुर उससे यहाँ एंटर किया है, बदरपुर से टोल से। जैसा आपने देखा है, हरियाणा में 130 किलोमीटर के करीब चले हैं और बड़ा भारी लोगों में जोश था, उमंग थी और बड़ा जबरदस्त समर्थन हर वर्ग का मिला हुआ। और अगर देखें इस यात्रा को लेकर, जो पड़ाव दर पड़ाव पार कर रही है दिल्ली का ये पड़ाव है, यात्रा कश्मीर में ख़त्म होगी, लेकिन एक विवाद भी छिड़े हुए हैं ऐसे दौर में जब कोरोना संकट को लेकर बड़े सवाल उठाए गए हैं, सरकार की ओर से भी तैयारियाँ देखने को मिल रही हैं। देखिए, कोरोना जो है एक महामारी है और पहले जैसे प्रोटोकॉल हो सबके लिए लागू होना चाहिए। हाँ, पॉलिटिकल वो नहीं, प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए इसका, कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल अगर जारी करेंगे तो सबको मान्य होगा। मेडिकल डॉक्टर्स के एडवाइस पे साइंटिफिक प्रोटोकॉल कोई जारी किया नहीं, जो भी प्रोटोकॉल होगा कोरोना का वो सब मान्य, सबको मान्य होगा। पहले भी किया, सबने उसका पालन किया हो तो जन इतने हैं। और इस यात्रा के राजनीतिक प्रभाव को लेकर देखें, खासतौर से उन राज्यों में जहां चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, जहां संगठन को लेकर कहा जाता है कि इसको मजबूत करने की ज़रूरत है, हरियाणा के संदर्भ में अगर बात करें तो हरियाणा में क्या इसका राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार फिर से ये यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी? देखिए, इस यात्रा का उद्देश्य खाली वोट प्राप्त करना नहीं है, एक ये तो जन चेतना, जो आज महंगाई है और आपका एक भ्रष्टाचार भी है और बेरोजगारी है, और देश को एक रखने के जो उद्देश्य राहुल जी ले चले हैं वो है। आज महंगाई से और बेरोजगारी से हर व्यक्ति ग्रस्त है, तो उसको ले गए हैं ये, उनकी देश की आवाज़ बने हैं राहुल गांधी जी, तो इस वास्ते जन चेतना के लिए ये मुख्य उद्देश्य है इसका। और मिशन 2024 की बात करें तो क्या प्रभाव डालेगी ये यात्रा, और ख़ासतौर से उन राज्यों में जैसे हरियाणा में भी चुनाव ज़्यादा दूर नहीं होंगे उस वक्त? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये कोई वोट की राजनीति के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य दूसरा है यात्रा का। बाकी हम राजनीतिक दल हैं, हम इसमें जो लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो लोग इस बात को समझेंगे कौन उनके हित में है, इसमें क्या दो रहे हैं। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, इस मौजूदा सरकार से, बीजेपी जेपी सरकार से तो हर वर्ग वैसे ही विमुख हुआ है, वो तो कुछ आपको पता है, नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, इवेंट मैनेजमेंट की गवर्नमेंट है, सिर्फ कर्जा बढ़ाने की गवर्नमेंट है, तो लोग परेशान हैं इससे। धन्यवाद बात करने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस यात्रा में शामिल होने के लिए, और ये यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव क्योंकि दिल्ली में यात्रा मौजूद है और जिस तरीके से आगे बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं उन राज्यों में खास तौर से ये असर डालेगी जहां चुनाव ज़्यादा दूर नहीं रहेंगे, ऐसे में इस यात्रा की राजनीतिक अहमियत भी बढ़ जाती है। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।